वेलकम बैक टू मिरेकलोनी क्लासेस। मैं मिसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकलोनी क्लासेस। जैसा कि आप जानते हो कि आजकल हमारे चैनल मिरेकलोनी क्लासेस पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड की जा रही हैं जो कि स्पोकन से रिलेटेड वीडियोज़ हैं, और हमारे बहुत छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चे, इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ रहे हुए बच्चे यानी हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं, और वो अभी बिगिनर्स हैं। अभी 2-3 महीने के स्पोकन क्लासेस के बाद उन लोगों के अंदर काफ़ी बढ़िया बदलाव आया है, और मैं चाहता हूँ कि जो बदलाव उनके अंदर आया है आप भी देख सको। मैं आज कुछ ऐसे बच्चों को बुलाने वाला हूँ जो बच्चे आज छोटी छोटी स्टोरियाँ बताएंगे इंग्लिश में, और वो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल होंगी, मोटिवेशनल होंगी, और हमें कुछ ना कुछ सीख देने वाली स्टोरीज होंगी जो कि बहुत ही छोटी स्टोरीज होंगी। हो सकता है 8 या 10 मिनट का वक्त आपको लेंगे ये बच्चे, लेकिन ये बच्चे इंग्लिश में ही स्टोरीज बोलेंगे। एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आप कभी ये मत सोचना कि ये बच्चे अभी बहुत ही जूनियर हैं और हिंदी मीडियम के लेवल वाले बच्चे हैं तो फिर इनको रटवा दी गई होगी ये स्टोरीज़। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। आप चाहो तो इन्हें कोई भी टॉपिक दे सकते हो और ये बच्चे किसी भी टॉपिक पे आपको 10 मिनट बोल कर दिखा सकते हैं। सो आप मेरा विश्वास करो, ये बच्चे रटी हुई कहानी नहीं सुनाने जा रहा है, बल्कि ये लोग अपनी मर्जी से, बस इन लोगों ने हिंदी की तैयारी करी हुई है कि हमें हिंदी में क्या कहना है, कौन सी स्टोरी कहनी है, और बाकी सारी चीज़ें ये खुद ब खुद ट्रांसलेट करके बोलने जा रहे हैं। जब आप इनकी लैंग्वेज को सुनोगे ना तो इनके अंदर कुछ गलतियां होंगी, जिन गलतियों से आप रियलाइज़ कर लोगे कि वाकई में ये बच्चे रटे हुए नहीं हैं, क्योंकि अगर रटे हुए होते तो ये पूरी तरह से कम्प्लीटली ग्रामर के साथ बोलते हैं, लेकिन इनसे कुछ गलतियाँ हो रही है। और ये बच्चे वैसे भी धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर लेंगे। आप तो जानते हो कि दुनिया का कोई ऐसा स्पीकर नहीं है, खासकर जो नेटिव ना हो और कोई भी भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ बना रखा हो, या बहुत ही कम्प्लीटली या परफेक्टली बोलता हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। सब कुछ ना कुछ गलती करते हैं, और ये बच्चे तो अभी बहुत ही बिगिनर हैं, बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही जूनियर है। सो कुछ बच्चों को मैं आज बुलाना चाहूँगा। एक वीडियो में आप एक ही बच्चे को देख पाओगे। अगर चाहते हो कि ऐसे ही और भी कुछ मैं वीडियोज़ देखूँ तो आप मिरेकलोनी क्लासेस पे बने रह सकते हो, और जितने भी वीडियोज़ अपलोड होंगे आप उन वीडियोस को देख करके अपने इंग्लिश को थोड़ी बहुत इम्प्रूव कर सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जब छोटे बच्चे हमारे समक्ष इंग्लिश बोल रहे होते हैं ना, तो हमारे अंदर काफ़ी मोटिवेशन की आग लग जाती है कि अरे ये बच्चे बोल रहे हैं, हम क्यों नहीं बोल सकते हैं, है ना। सो बिना देर किए और बिना टाइम गंवाए मैं चाहूँगा कि उन बच्चे को बुलाया जाए, जिसमें से सबसे पहला बच्चा, सबसे पहला स्टूडेंट जो होगा आदित्य कुमार, जिससे शायद आप लोग थोड़े बहुत परिचित हो। आदित्य कम, Are you ready? Yes, sir. Okay. So, you can start. Good afternoon, all dear friends and my honorable sir. Today I am here to speak my topic. Or my kahani. The name of my kahani is, a story is Honest Woodcutter. Once upon a time, there are 2 woodcutter in a village. One honest woodcutter and second a lazy woodcutter and dishonest woodcutter. One day the woodcutter go cut wood. After that the axe fall in river. Then the woodcutter weep very loudly. Then the goddess of water leave and ask, why do you cry? Then the woodcutter say, my axe is fall in river, and I have only one axe, so I weep. Then the goddess say, then the goddess leave one axe golden and ask, this is your axe? The woodcutter say, no, this is not my axe. After that the goddess leave a silver axe and ask, this is your woodcutter? The woodcutter say, no, this is not my. And after that the last time the goddess leave her axe and ask, this is your axe? The woodcutter say, yes, this is my axe. And goddess say, I like your honest, so I give you 3 axe. After that the woodcutter very happy and go went on village and told all thing
about this on friend. The friend is very, her friend is very dishonest and large, lazy. The friend thought, I like this and I want to 3x. After that, the woodcutter went next day and sir janbushkar plingly the axe fall in river. After that, the goddess live in river and ask, why do you cry? The woodcutter say, my axe is fall in river. Then the goddess leave a golden axe. Then the woodcutter say, yes, this is my axe. The goddess know he is dishonest, so the goddess give no any axe. Thanks. This is a very short story. And this story learn that honesty is very good thing. Give a big hand. तो जैसा कि आपने अभी अभी वॉच किया, अभी अभी आपने देखा कि आदित्य ने किस प्रकार से टूटी फूटी भाषा में अंग्रेजी बोलने की कोशिश की। आप इस बच्चे से कितना मोटिवेटेड हुए हो, आप इस बच्चे से कितना ज़्यादा प्रेरित हुए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप भी घर बैठे अंग्रेजी सीख सको और इन बच्चों से मोटिवेट होकर के। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि जब अपने से कम उम्र के बच्चे या अपने से कम उम्र के लोग जब कुछ अच्छा करते हैं ना, तो हमारे अंदर भी एक जुनून है ना क्रिएट होता है, एक आग सी लग जाती है कि मैं भी तो कर सकता हूँ, मेरे से छोटा होकर ये इतना कुछ कर पा रहा है। सो मेरा मकसद है, मेरा पर्पस है कि आपको मैं मोटिवेट कर सकूं, आपको इंस्पायर कर सकूं इन बच्चों के माध्यम से, और उसके बाद आप भी अपनी लाइफ में अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकोगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, इसका अगर सेकंड पार्ट आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल मिरेकलोनी क्लासेस पे बने रह सकते हो, और उसके बाद सारी की सारी वीडियोज आप देख करके मोटिवेटेड होकर के आप भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।